आई होप यू आर ग्रेट। दोस्तों आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास वो वर्ब है कि वर्ब को आज हम डिस्कस करेंगे उसकी फर्दर काइंड्स को और वर्ब सेंटेंस में होती क्या है। ब्रस वर्ब की एक मेन डेफिनेशन लोग करते हैं कि वर्ब वो है जो एक्शन शो करे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन डिफरेंट काइंड्स डेफिनेशन बताऊँगा कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू शो वर्ड एक्शन। एक्शन हमारे पास एक अमल को कहते हैं, लाइक ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है, वो क्रिकेट खेलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट्स जो है वो क्लियरली एक एक्शन है। तो वर्ब हमारे पास एक्शन शो करता है। दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो स्टेट है, लाइक ही इज सिक, वो बीमार है। ये स्टेट हमारे पास हो गई, यहाँ पर इज हमारे क्या साथ क्या है, वर्ब है। ही इज़ इन द क्लास, यहाँ पर हमें एग्जिस्टेंस शो करता है, मौजूदगी कि वो कहाँ पर है, तो वो क्लास में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमें क्या शो करता है, एग्जिस्टेंस। यहाँ पर इज भी हमारे पास वर्ब है। और थर्ड हमारे पास है पोजिशन, जिसको हम मलकियत भी कहते हैं, लाइक शी हैज़ अ कार, तो यहाँ पर हैज़ हमारे पास क्या है, पोजेसिव केस में है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो ब्रस तीन किस्म के एक्शन, स्टेट एंड पोजिशन, हमारे पास ये तीनों क्या है, वर्ब है। एंड तीन सिचुएशंस में हमारे पास वर्ब्स इस्तेमाल होती है। नाउ ब्रस फर्स्ट कैटेगरी वर्ब्स की आती है, कैंड्स वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ब्रस मोस्टली डेफिनेशन ये होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब इज़ द वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो वर्ब्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लेता है, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फार्मूला ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब एंड उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, लाइक दे स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स क्या, अ लेटर, वो एक खत लिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रस के राइट्स जो है और स्पीक जो है वो कौन से वर्ब्स हैं हमारे पास ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लियरली मेंशन है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स को ब्रस हम तीन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव, मोनो मीन्स वन, तो यहाँ पर क्या है, इट टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट। ये वो वर्ब्स है जो एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, लाइक अली किक्स द बॉल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द बॉल क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एलिस बॉट अ बुक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ बुक हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मोनो ट्रांजिटिव में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब ले सकता है। डाई दो को कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वो वर्ब्स हमारे पास होते हैं कि इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब दो किस्म के ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, एक डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट, लाइक आई गिव हिम द बुक, तो यहाँ पर हिम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब बुक हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट को फाइंड करने के लिए बस आप ये करें कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कौन सी चीज़ मिली हुई है। इस सेंटेंस में आप देखिए कि आई गिव हिम द बुक, तो बुक फर्स्ट केस के साथ थी, आई के साथ थी, तो ये बुक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो रेस्ट बचता है हमारे पास वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस ये भी आपने जहन याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम सेपरेटली अलहदा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही सेंड्स यू द फ्लावर्स, फ्लावर्स किसके साथ थे, ही के साथ थे, किसके लिए सेंड किए हैं, यू के लिए। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को से फ़ायदा किसने हासिल किया है, यू ने, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वो वर्ड्स जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो वर्ड्स हमारे पास टीच, आस्क, पे, रिफ्यूज, डिनाई, ऑफर, टेल, प्रॉमिस, शो, एट्सेट्रा, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ड्स हमारे पास वो है जब हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, लाइक इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है एंड अ कॉम्प्लीमेंट, और एक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स वो होते हैं जो सेंटेंस को मोर क्लेरिफाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो किस्म के होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो जो सब्जेक्ट के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई फाउंड हिम, हिम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, डर्टी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डर्टी हमारे पास क्या है,
कॉम्प्लीमेंट है। किसको मॉडिफाई किया है? हिम को। बस ये मोस्टली एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। आई स्लैप्ड अली, अली को मैंने थप्पड़ मारा था। किस तरीके से? बैडली, बुरे तरीके से। तो यहाँ पर आप बैडली और डिडली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। किस चीज़ के बाद आए हैं? हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के उलट और अपोजिट जो पेयर्स है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हमारे पास होते हैं जो ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ द वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते और ना ले सकते हैं। या आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी ऑल लाफ्ड, हम तमाम के तमाम हंसे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है और ना ये ले सकते हैं। शी सिंग्स लाउडली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंग हमारे पास कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्टली एडजेक्टिव या एडवर्ब पे फॉलो होते हैं। वो वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव है वो ये है ब्रस, कम, फॉल, गो, स्विम, मैटर, हैपन एट्सेट्रा। जस्ट आपने ये बात जहन में याद रखनी है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकते। थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो ब्रस है वो लिंकिंग वर्ब है। ब्रस लिंक, एक आपको ये भी अंदाज़ा हो कि लिंकिंग वर्ब हमारे पास लिंक करते हैं आइडियाज़ को। लाइक लिंकिंग वर्ब हमारे पास एक्शन को शो नहीं करते। ब्रस आपने यहाँ पर गौर किया कि लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये एक्शन जाहिर नहीं करता। इंस्टेड इसके जगह इसके बरक्स, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है? टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो वो कनेक्ट करता है उस कॉम्प्लीमेंट के साथ ताकि ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सके। लाइक ब्रस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ही लुक्स टायर्ड, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है? सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। तो ये हमें मोस्टली लिंकिंग वर्ब एक्शन शो नहीं करता। द डे ग्रीव डार्क, तो डार्क किसके बारे में है? द डे वॉरिंग के बारे में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रस के लिंकिंग वर्ब मोस्टली, आपने ये भी जहन ज्यादा कि लिंकिंग वर्ब हम वो वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सब्जेक्ट जो है उसको हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से कनेक्ट करें। या लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है हमारे पास जो हम सब्जेक्ट को दूसरे जो सेंटेंस के साथ हमारे पास वर्ड है उसको उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। ब्रस ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, बी, स्मेल, फील, टेस्ट, लुक, सीन, बिकम, गेट, ग्रो एट्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है। ब्रस ये वो वर्ब्स है जो एक्शन को मोस्टली शो नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, यू सीम वर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रस कि वर्ड जो है और यू के दरमियान में जो कनेक्शन है वो किस वर्ब की बुनियाद पर है? वो सीम के। तो सीम हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ब्रस ये जब हम रिमूव करते हैं वर्ड को एज अ कॉम्प्लीमेंट, चाहे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो ऑब्जेक्टिव हो, तो मीनिंग पर अनक्लियर है, यहाँ पर गैर वाज़ह है। यू सीम व्हाट? यू सीम हैप्पी, यू सीम वरीड, यू सीम बैड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है ये सेंटेंस पे इफेक्ट डालता है। तो बस लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं, या लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ मिलाते हैं। रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स हमारे पास होते हैं कि जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक ख़ास रूल्स है। क्या रूल्स है? जस्ट हम ईडी वहाँ पर लगाते हैं, कोई ख़ास स्पेसिफिक रूल्स वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन इज अ काइंड ऑफ वर्ब इन विच वी है स्पेसिफिक रूल्स व्हेन वी चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम मोस्टली 90-95% ईडी वहाँ पर लगाते हैं। लाइक वॉक, वॉकड, वॉकड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट ईडी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ऐड की है। लाइक पेंट, पेंटेड, पेंटेड। जब हम मोस्टली लाइक प्ले, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड प्लेड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड। तो यहाँ पर हम मोस्टली बस ईडी लगाते हैं, चूँकि हमारे पास सिर्फ एक रूल है कि जब हम वर्ब को रेगुलर वर्ब को चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो हम मोस्टली ईडी लगाते हैं।
इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स है, इट डजंट हैव स्पेसिफिक रूल्स लाइक रेगुलर वर्ब्स। हमारे पास इसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हम जैसे है ग्रामर हमें बताता है, हम उसको इसी तरीके से याद करेंगे। लाइक सेट सेट सेट, कम केम कम। बस ये वर्ब हमने तीन कैटेगरीज में तकसीम किया है। फर्स्ट वो वर्ब्स हैं विच ऑल द थ्री फॉर्म्स आर द सेम, लाइक फॉर एग्जांपल कट कट कट, लाइक रीड रीड रीड, तो यहाँ पर भी लेट लेट लेट। तो हमारे पास ये वो वर्ब्स हैं जिसकी तमाम के तमाम तीनों फॉर्म्स सेम है। दूसरे में वर्ब्स इन विच टू ऑफ द फॉर्म्स आर द सेम, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो सेम होती है। लाइक सेट सेट सेट, ब्लीड ब्लेट ब्लेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट सेट सेम है, ब्लेट ब्लेट सेम है। और थर्ड हमारे पास बस वो कैटेगरीज है जिसमें तीनों की तीनों डिफरेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल सी सा सीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों डिफरेंट है, गो वेंट गॉन। तो ये थर्ड कैटेगरी है कि जिसमें तीनों फॉर्म सेम है, डिफरेंट है। फर्स्ट में तीनों सेम है, सेकंड में दो डिफरेंट है, और थर्ड में तीनों डिफरेंट है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ब्स की जो सेपरेट ये पांच हो गए पांच, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।